ग्रेक का ऐसा कोई विवाद किसी सौरभ से या किसी से मीटिंग में कभी नहीं हुआ सौरभ हमेशा हर भजन को चाहते थे एक और बहुत बड़ा नाम है इंडिया का वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण लक्ष्मण उनकी भी खोज आपने की वो किसी भी गेंदबाज को बोलिंग को कहीं भी कंडीशन में सकते कहीं और करा उन्होंने तो प्रणब रॉय मुझे दो एक बार बोले

तीसरा टेस्ट इंदौर में होने वाला है तो ललन टॉप की टीम इंदौर आ चुकी है हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत हैं जो आज हमसे क्रिकेट पर और उसके पीछे क्या क्या चलता है उस बोर्ड रूम में उस सिलेक्शन कमेटी में क्या क्या चलता है उस पर बातचीत करेंगे ये नाम है संजय जगदाले फॉर्मर बीसीसीआई सी, -सी सेलेक्टर इन्होंने वीवीएस लक्ष्मण की खोज की इन्होंने मुरली कार्तिक की खोज की इन्होंने नरेंद्र हिरवानी की खोज खोज की जिन्हें इंदौर की प्राइड माना जाता है और उनके नाम पर एक स्टैंड भी है होलकर स्टेडियम में सर uh, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर कैसे हैं आप सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट की जर्नी आपके पिताजी भी क्रिकेटर थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए काफी सारा रणजी क्रिकेट खेला आपकी जर्नी आपको पता था uh, कि यही दिस इज द पाथ आई एम गोइंग टू चूज यही करना है मुझे भी आ, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आ गया था क्योंकि घर में जब मैं छोटा था तो क्रिकेट का माहौल था मेरे पिताजी तो फॉर्मर खोलकर प्लेयर थे ही और मेरे बड़े ब्रदर अशोक जो पैसे पाँच साल बड़े थे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने सिक्सटी में उनका भी डेब्यू हो गया था तो और क्रिकेट की बातें होती थी घर में तो वो बड़ा नेचुरल प्रोसेस था कि मेरे को मानसिक रूप से मैं क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गया और शौक भी हो गया तो बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया थी और देख देख के हालांकि उस समय इंदौर में क्रिकेट के खेलने की इतनी सुविधाएं नहीं थी किंतु जो भी अवसर मिलता था खेलते थे कहीं भी किसी छोटे ग्राउंड में जहाँ भी मैदान में मिल जाता था वहाँ खेलते थे जाके मैंने ये कहीं पढ़ा कि आपका करियर बहुत अमेजिंग नहीं रहा आप इंडिया के लिए नहीं खेले लेकिन यू हैड एन आई फॉर अ टैलेंट आप टैलेंट पहचाना जानते थे तो इस चीज का इस चीज का रियलाइजेशन आपको कब हुआ कि यार उस प्लेयर में टैलेंट है एंड यू नो मुझे पता है कि उस प्लेयर में टैलेंट है एंड मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए और मुझे उसको आई शुड गिव हिम स्पेस द राइट प्लेस नहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे में स्पेशल टैलेंट था कि चीज ये तो लोगों की अलग अलग ओपिनियनों से थी पर पूरे मुझे हमेशा अच्छा लगा कि मैं असेस करूँ किसी भी खिलाड़ी को क्योंकि मैं खुद खेल रहा था और अलग अलग कैपेसिटी में रहा तो मैं कोचिंग भी काफ़ी मैंने करी तीस पैंतीस साल तक कोचिंग करी मैंने तो थोड़ा उस नज़रिए से देखने की स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई थी वो तो जब मैं सिलेक्टर भी बना एमपी में भी बहुत साल मैं नेशनल सिलेक्टर बना 2000 में जब उसके पहले मैं सात आठ साल से एमपी में भी सिलेक्टर था जूनियर लेवल से सीनियर तक तो वो एक सोच वैसी बन गई थी और एक आदत सी बन गई थी और क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रहा था और कोचिंग में भी था तो मेरे को टेक्निकल करने असेस करना मानसिक एबिलिटीज़ फिजिकल फिटनेस की सबकी चीज़ें असेस करने की आदत हो गई तो उसने मेरे को मदद की आप मध्य प्रदेश के लिए भी सिलेक्टर रहे उसके बाद आपको बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी में चुना गया पहले एज अ जूनियर सेलेक्टर उसके बाद एज अ सीनियर सेलेक्टर वो पहला लेटर क्या होता है वो मोमेंट क्या होता है जब बीसीसीआई आपको चिट्ठी भेजती है फोन आता है क्या होता है हमें वो बताइए कि कैसे एक सिलेक्टर एक सेलेक्टर बनता है नहीं प्रोसेस तो नहीं मुझे फोन फोन जनरली फोन से आता है आपको स्टेट में क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें करी कि मेरे को बताया भी गया जैसे जे वाई लेले ले जब सेक्रेटरी थे मैं जब जूनियर सेलेक्टर बना 94 में और जब मैं सीनियर सेलेक्टर बना तब भी जे वाई लेले सेक्रेटरी थे तो उन्होंने ही मुझे इन्फॉर्म किया कि संजय यू हैविन अपॉइंटेड मैनेजर फिर मेरी भी वो दो साल ढाई साल में जब मैं सेक्रेटरी बन गया ऑलरेडी तो मेरा काम भी था कि मैं सिलेक्टर्स को बताता था कि भाई आप सिलेक्टर बन गए तो ये तो जनरली लेटर तो नहीं आया था पर प्रोसेस वही था कि स्टेट को बताते हैं और फिर डायरेक्ट सिलेक्टर को बता देते हैं कि भाई आपको और इससे। आप जब एक प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो आप उसमें क्या क्या एबिलिटीज देखते हैं और मतलब उसकी क्या प्रोसेस क्या है जैसे आपने नोट किया कि मध्य प्रदेश में एक अच्छा टैलेंट है तो उसको आप नेशनल लेवल तक कैसे लेके जाते हैं देखिए काफ़ी सारी चीजें होती हैं एक तो सबसे पहले तो टैलेंट होना चाहिए टैलेंट हो के फिर एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि खिलाड़ी का एटीट्यूड कैसा है कितनी भूख है उसमें वो किस लेवल पे खेलना है टेक्निकल चीज़ें भी आती हैं पर आपको असेस करना पड़ता है ऐसे चयन करता कि ये खिलाड़ी का लेवल कहाँ तक जा सकता है तो उसके लिए एटीट्यूड भूख आत्मविश्वास ये सब चीज़ें असेस करनी पड़ती हैं चयन कर तो ये सब चीजें एक स्वाभाविक प्रति थी कि जो देखी क्योंकि खिलाड़ी रहने का एक फायदा हो जाता है और हमेशा एक चयनकर्ता को ये सब चीजें देखनी चाहिए कि खिलाड़ी में आत्मविश्वास कितना है अपॉर्चुनिटीज ग्रैप करने की कितनी अच्छी टेंडेंसी कईयों में रहती है कि उनको अवसर मिलते हैं तो कर लेते हैं पर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि भुना नहीं पाते इमीडिएटली पर आपको अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो उनको बैक करिए आप कुछ समय तक होता है हर खिलाड़ी हर देश में होता है आपकी सबसे पहली सबसे बड़ी फाइंड नरेंद्र हिरवानी बेहतरीन स्पिनर विविन रिचर्ड्स को वो की वो विकेट कोई भी नहीं बोल सकता वो कहाँ मिले आपको वो किस्सा हमें बताइए कि उन, उन्हें आपने कहाँ देखा और आप समझ गए कि ये इंडिया के लिए खेल सकता है देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने देखते ही बोला कि इंडिया के लिए ये मैं नहीं कहूँगा पर हाँ रोचक किस्सा है कि ये बात आ, उन्नीस सौ बयासी की होगी मैंने सीशाई क्लब इंदौर में शुरू किया था जिसमें मैं बारह तेरह साल के बच्चों को लेके स्टार्ट ही किया था मैंने खेलना शुरू किया था और बात है नेहरू स्टेडियम इंदौर की करीब एक ई वी एवेरा साहब बड़े नेशनल कोच होते थे बहुत अच्छे सीनियर खिलाड़ी रहे हैं हैदराबाद के और बहुत अच्छे कोच थे बड़े कोच थे और उन्होंने मेरे को भी सुनील गावस्कर अमरनाथ ब्रदर्स हम लोगों को हैदराबाद में एक महीने के कैंप में स्कूल में थे हम लोग तो उन्होंने वो हमारे कोच थे तो वो इंदौर में अपॉइंट थे बी सी सी आई की तरफ से तो एक महीने के तो मैं उनका काफ़ी क्लोज हो गया था तो मैं जब वो बच्चों को सिखाता था, था तो वो मेरे पास आके हमेशा बोलते थे कि संजय यू आर डूइंग ए फाइन जॉब कीप इट अप कीप इट अप करके मेरे को बहुत इंक्रेज किया उन्होंने और बहुत मोटिवेट किया उन्होंने और एक दिन मैं उनके साथ नेहरू स्टेडियम में खड़ा था तो एक बच्चा आ गया और मेरे पास मैं बड़े लिमिटेड लोगों को लिए करता था मैं कोई पैसे नहीं लेता था ना मैं अभी भी लेता हूँ अभी भी मैं कभी जाता हूँ कोचिंग है तो पैसे का वाला कमर्शियल एंगल मेरे पास नहीं था वो तो मैं बच्चा आया मेरे पास एक पंद्रह साल का चौदह पंद्रह साल का और उसने आके मेरे को बोला मोटा सा गोल मोटोलो बच्चा और मेरे को बोला कि हमें आपके साथ खेलना है सर आपके यहाँ तो मैंने उसको एबारा साहब के साथ बात कर रहा था तो मैंने उसको बोला कि नहीं आप दूसरे किस में कर लो मेरे पास जगह नहीं थी उस समय बीस पच्चीस लड़के ऑलरेडी थे मैंने कहा तुम दूसरे किसी क्लब में कर लो वहां और रहे हैं कि। तो बोले नहीं हम तो आपके पास ही सीखना है घर छोड़ के तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा तुमने तुमने कब देखा मेरे को यहाँ तो बोले मैं यूपी की अंडर टीम से था, तो मैंने मैंने आपको देखा और तभी डिसाइड कर तो बोला, तो 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 बोला कि संजय दैट बॉय इज स्टिल स्टैंडिंग एंड uh, बोले यू देखिए एक मेरे लिए भी लेसन था वो कि एबारा साहब ने उसमें भूख देखी जो भी था उन्होंने नहीं देखा था उनको नहीं मानता कि कैसा बोले तो उन्होंने मुझे बोला अब मेरे लिए तो फाइनल वर्ड था अगर हैबारा साहब जैसे लोग बोल रहे हैं कि संजय यू की फिल्म विद यू तो खत्म हो गया मैंने उसको बुलाया और मैंने बोला ठीक है तुम शाम को आ जाना कोचिंग में फिर उससे मैंने बात की फिटनेस विटनेस की तो बाकी तो रेस्ट रेस्ट्री फिर तो ऐसी ऐसी कहानियां हो गई कि पूछिए मैंने आ, ये तो रही नरेंद्र हिरवानी की कहानी एक और बहुत बड़ा नाम है इंडिया का वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण वीवीएस लक्ष्मण उनकी भी खोज आपने की नहीं मैंने खोज तो नहीं की ये नहीं कहूंगा मैं पर मैं जूनियर सिलेक्टर था ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने खोज की मैं वो जूनियर सिलेक्टर था और एक मैं वो बता रहा हूँ मैच मुझे आज भी जाना है विशाखापट्टनम में साउथ जोन प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट जोन अंडर नाइनटीन का मैच और मैं मैच देख रहा था मेरे ख्याल से हरी गिटवानी सिलेक्टर थे मेरे को ध्यान था तो वो मैच चल रहा था और वो विकेट बड़ा स्लो टर्नर था स्लो था और उस पर लो स्कोरिंग मैच हो रहा था वन सेवनटी एटी का और लक्ष्मण बैटिंग कर रहे थे इनने कुछ तीस चालीस नॉट आउट बनाया और बड़ी अच्छी बैटिंग करी और कॉन्फिडेंट उस विकेट पे जहाँ दूसरे लोग स्ट्रगल कर रहे थे ये बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे तो मैंने पहली बार देखा और मैं इमीजिएटली इंप्रेस हो गया कि दिख रही थी क्वालिटी फिर हमने उनको वहीं से हम तीनों यूनानी मस्त थे और हमने उनको लेके फिर मादर ऑफ इंडिया ट्रॉफी होती थी और इंडियन उसकी रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेज अंडर नाइनटीन उस में उसमें पिक किया और उन्होंने वहाँ बम्बई में खेले और रन बनाए इस तरह से फिर वो बाद में हमने उनको इंग्लैंड के टूर पर संदीप पाटिल लेके गए थे जूनियर टीम उसमें पिक किया वहाँ उन्होंने अच्छा किया तो इस तरह से वीवीएस एस लक्ष्मण नाये वो स्पेशल प्लेयर तो थे ही शुरू से आ, ये तो रही प्लेयर्स की कहानी मुरली कार्तिक का भी ऐसा कोई किस्सा है नहीं मुरली कार्तिक को भी हम जूनियर सिलेक्टर थे 19 में वो अच्छा टैलेंट था और आ, मुझे ध्यान है कि मेरे को बिशन पाजी ने बोला था सबसे पहले बिशन पाजी बोले संजय यार एक नाइनटीन में लड़का है दिल्ली का अच्छा तो तू देखना हमने देखा था तो अच्छे लगा लगा वो अच्छे थे मुरली भी एक अच्छा प्लेयर थे और 19 में अपने आप आ गए टीम में जगह बनाई राजी ट्रॉफी खेले परफॉर्म करके नेशनल टीम में भी आ गए ये तो ही प्लेयर्स की बात अब वापस सिलेक्शन की ओर चलेंगे बी की जो सेलेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें सिलेक्शन कमेटी को छोड़कर और कौन कौन मौजूद होता है और उसका प्रोसेस क्या है वो पूरी चीज़ वो वर्क कैसे करते हैं देखिए पांच पांच सिलेक्टर्स होते हैं और कोच एंड कैप्टन उन दोनों का वोट नहीं होता है बट उनकी ओपिनियन वजन रखती है पर ये अप टू अपलेक्टर्स की उनकी बात हम माने कि नहीं माने क्योंकि हो सकता है क्योंकि देखिए कोच और कैप्टन जो होते हैं जो डिफरेंस बता रहा हूँ मैं और इन सेक्रेटरी कन्वीनर होता है जैसे जो सेक्रेटरी है पर उसकी ओपिनियन नहीं होती है उसका वोट नहीं होता है सेम वोट कोच और कैप्टन का नहीं है किंतु उनकी जो ओपिनियन होती है वो बड़े लिमिटेड प्लेयर्स की रहती है और जो पांच सिलेक्टर होते हैं वो पांच सिलेक्टर पूरे देश में क्रिकेट देख रहे हैं और जो नया टैलेंट है या कुछ है तो वो वो देख रहे हैं क्योंकि वो जो कोच और कैप्टन है वो कुछ लिमिटेड जो पूल बना हुआ है पच्चीस तीस लोगों का उनको ही देख रहे हैं उस पर से ओपिनियन दे रहे हैं तो मेरे को बहुत सारे किस्से ऐसे याद आते हैं जो प्लीज प्लीज बताइए नहीं अब एक देखिए कंट्रोवर्सी भी हो जाएगी कहीं मतलब नहीं मैं नहीं, हम कंट्रोवर्सी तो, नहीं हमें किससे चाहिए आप किस मेरे को, को मेरे को खास करके वीरेंद्र सहवाग का मैंने जब पहली बार देखा मुझे याद है मैं सिलेक्टर बनाई था 2000 में और मोहाली में एक दिलीप ट्रॉफी मैच हो रहा था मेरा पहला मैच था एज सिलेक्टर जनवरी में दिसंबर जनवरी में लेट और बड़ा फॉग बहुत रहता था साढ़े बारह एक बजे मैच चालू होता था इतना फॉग था मॉइस्चर था ग्रीन टॉप वेस्ट जोन वर्सेस नॉर्थ जोन और मैं बनाई था सिलेक्टर मेरे साथ अशोक मल्होत्रा सिलेक्टर थे जो ईस्ट जोन से थे और वो मैच हो रहा था तो नॉर्थ जोन कुछ थ्री हंड्रेन सिक्सटी कुछ थ्री सेवेंटी कुछ चेस कर रही थी वेस्ट जोन की और वेस्ट जोन का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था जहीहिर खान और इकबाल सिद्दीकी खेले थे इंडिया के कुछ मैच वो थे और संतोष सक्सेनागर के एक थे, वो थे, कुलकर्णी लेफ्ट आर्म स्पिन थे और ऑफ स्पिनर भी था तो बड़ा अच्छा अटैक था उस अटैक पे और नॉर्थ जोन ने कुछ अस्सी एक रन पे चार विकेट खो दिए और मैंने ज्यादा कुछ सुना नहीं था वीरेंद्र सहवाग में नया सिलेक्टर था सहवाग बैटिंग करने आए और जिस तरह से वो टाइम कर रहे थे और उनके बैट से जो आवाज़ आ रही थी सडनली एज ए क्रिकेटर और एज ए कोच मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया और उन्होंने कि इसके बैट से क्या आवाज आ रही है कितना क्लीन जा रहा है बॉल कितना एफर्टलेस एकदम अट्रैक्ट किया उनका कनेक्शन उनका टाइमिंग उनके एफर्टलेसनेस उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका कॉन्फिडेंस जो मुझे एकदम अच्छा लगने लगा मैंने कहा यार मैंने अशोक मल्होत्रा को बोला कि अशोक यार ये लड़का के बैट से टकरा क्या बॉल जा रहा है अशोक की भी यही ओपिनियन थी तो मैंने कहा यार इसका बॉल कैसा जा रहा है बॉल और हमारी ऐसी कैजुअल बात हुई कि यार अपन इसको वनडे खिलाएंगे उस समय की शॉट जो देख के हॉट मैंने कहा यार इसको वनडे खिलाएंगे अपन अशोक भी बहुत एग्री हुए अशोक ने तो देखा हुआ था बोले यार मैंने देखा होता मैं खैर आई गई एंड वीर ने शायद वन कुछ वन सिक्सटी कुछ बनाए एंड उन्होंने फर्स्ट थिंग लीड ली बट मेरी ओपिनियन वो कभी चेंज नहीं हुई जो मैंने पहला ओपिनियन और मैंने बहुत जनों को बोला इंदौर में आके जो मुझे आज भी याद दिलाते हैं कि मैंने कहा यार जैसा बैटिंग देखा उसका यही इंप्रेशन मुझे जब मैंने युवराज को भी देखा था कि उसके बैट से जो बॉल जाता है तो ये कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है सब हर किसी प्लेयर में नहीं होती देखिए रन बनाना अलग बात है और तरीके का रन किस तरीके से बनाया तो वीरू का जो वो है मैं कभी जिंदगी भरनी और मैं हमेशा मानता रहा कि इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर तो थे

तो मैं पहले चेयरमैन थे चंदू बोडे हमारे फिर ब्रजेश पटेल एक साल बने फिर किरण मोरे बने दिलीप दिलीप पेंसरकर बने सो बड़े, बड़े 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 नाम थे सब और हम लोगों ने बहुत अच्छा ईमानदारी से काम किया पर जो आपने बोला सिलेक्ट जैसे मैं तो कभी इस प्रोसेस में से नहीं गया कि मुझे सेंटर उनके फलाने को ही सिलेक्ट कराना मैं ऑलवेज क्योंकि हम जब सबसे पहला आपका जो होना माइंड सेट होना चाहिए चयन करता वो ये होना चाहिए कि आप भारतीय टीम को चयन करने जा रहे हैं आप जोन टीम नहीं कर रहे हैं आप भारतीय टीम को देश के हित में आपको जो बेस्ट लग रहा है सो so, एक सिलेक्टर शुड ऑलवेज हैव ए आई ऑन जो मेरा थ्योरी रही पास्ट बिट ऑफ पास्ट मोस्टली प्रेजेंट कि अभी क्या है एंड कुछ फ्यूचर पे भी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट टीम हाँ ये सब चीजों में कि पहले इसने क्या किया है अब कहाँ है हमारी जरूरत क्या इस तरह के हमको सिलेक्शन करना चाहिए और ये फ्लेक्सिबल होता है परसेंटेज वेरी की, टीम की रिक्वायरमेंट क्या है दो साल बाद हमें ये लगने वाला है हमको इसको प्रमोट करना चाहिए या अभी ये जगह नहीं है तो अभी आप जैसा बिशन पाजी के टाइम में हुआ कि राजेंद्र गोयल और पेडी शिवालकर दोनों बहुत बड़े बोल गेंदबाज थे किंतु अब बेचारे फंस गए गलत समय में नहीं कर पाए तो की था पर अगर वो यंग होते पेडिस शिवालकर और मैं चयन करता होता वो यंग होते तो मैं नेक्स्ट टाइम सोचता कि बिशन पाजी के बाद के लिए ये तैयार करता सो ये सब वेरी करता है इससे मैं मैं करंट सिनेरियो में ही बात करूंगा क्योंकि सरफराज एक नाम है जिन पर फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि क्यों टेस्ट टीम में नहीं है मिडिल ऑर्डर में इतने सारे रन बनाए मुंबई के लिए लास्ट सीजन के हाई स्कोरर रहे उसके पहले भी कई सारे रन इस सीजन भी अच्छी बैटिंग की ऐसे प्लेयर को अगर आप टीम में सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना कि स्क्वाड में ही सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे सेलेक्शन कमेटी की क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है नहीं देखिए अगेन जैसे मैंने बोला कि सिलेक्टर्स को ये असेस करना पड़ता है कि ये प्लेयर जो है ये अगर डोमेस्टिक में भी कर रहा है बट ये नेक्स्ट लेवल पे क्या करेगा यहीं तो टेक्निकल सिलेक्शन ये होता है कि हम सिर्फ अगर सिर्फ आंकड़ों से करेंगे मैं सरफराज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ आंकड़ों से करेंगे तो सिलेक्टर्स की जरूरत ही नहीं है आप कंप्यूटर से स्टेटिस निकाल लीजिए बेस्ट जिनके हाईएसट छः जने बैट्समैन ले लीजिए जिनके हाईएस विकेट तो ये तो आपको असेस करना पड़ेगा कि फलानी कंडीशन में फलाने अपोजिशन के गए इस लेवल पे इस बैट्समैन में योग्यता रहेगी कि नहीं रन बनाने की कैपेसिटी है कि नहीं या विकेट लेने की कैपेसिटी है कि नहीं ये कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है बट हाँ आपको उसको कहीं असेस तो करना पड़ेगा उसको चा, चांस दे तो इस तरह का जो मैं तो हमेशा चाहूँगा कि उसको हम असेस करें नेक्स्ट लेवल पे जैसे सहवाग की मैंने बात की उसने दिल्ली में करा पर हमने उनको बाद में मुझे ध्यान है जिम्बावे की टीम आई थी तो बोर्ड प्रेसिडेंट एलन का खिलाया धीरे धीरे वो भी उतने ही खेले से उन्होंने ठप्पा लगाया आपने जो जो क्लास होता है वो उनको किसी की सपोर्ट की, नहीं। है जैसे प्लेयर को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी वो इतने अच्छे थे कि वो दरवाजा तोड़ के रूम में घुसे राइट ब्रोक अब अलग ही टैलेंट थे वो सर अभी जो सिलेक्शन कमेटी है इन पर लगातार क्वेश्चन उठते हैं काफी काफी वक्त तक संजू सैमसन को मौका नहीं मिला हमने कोई सेकंड विकेट कीपर पर से व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए ग्रूम नहीं किया ईशान किशन को ग्रूम किया पर उनकी बैटिंग पर क्वेश्चन उठते हैं और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते आ रहे हैं लेकिन उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे जब क्वेश्चन आपके दौर में उठाए जाते रहे होंगे आई एम श्योर sure उठाए जाते रहे होंगे क्योंकि हर प्लेयर को मौका दे पाना मुमकिन नहीं है तो आप लोग उससे कैसे डील करते थे और उसका मैनेजमेंट क्या था देखिए मैंने तो कभी ओपिनियन की दूसरी ओपिनियन की बात नहीं की एज ए सिलेक्टर एज ए ह्यूमन बींग हर कोई गलती करता है अगर मेरे से कुछ गल, जेनुअन गलती हो रही है तो मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि मैं मैंने सोचा कि ये प्लेयर अच्छा नहीं है पर वो अच्छा हो गया या मैंने सोचा कि ये प्लेयर अच्छा नहीं कर सकता वो अच्छा कर गया सो so, ये मैंने जेनुअन ईमानदारी की गलती थी मेरी ओपिनियन कि मैंने असेस करने में गलत हो गया और वो इट इज बाउंड टू हैपन विद एवरीबडी आप यू कॉन्ट बी राइट एवरी टाइम तो वो होती तो उसका कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए बट अगर मैं कुछ कन्विंस हो जाता था कि ये अच्छा नहीं है या ये अच्छा है तो मैंने कभी केयर नहीं करी कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे आपके दौर में आ, हमारी टीम ने इंडियन टीम सौरभ गांगुली जैसा एक लीडर देखा ग्रेक चैपल जैसा एक बहुत ज्यादा मेवरिक एक कोच देखा तो उन मीटिंग्स में क्या होता था क्योंकि दोनों में जो लड़ाइया थी या जो विवाद थे वो पब्लिक है वो इट्स इट्स नॉट्रेट एनिम सबको पता है तो उस दौर में वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग क्योंकि हम जानते हैं इरफान पठान को स्ट्रॉन्गली प्रमोट करना चाहते थे ग्रेग चैपल की मैं नंबर थ्री पे इससे बैटिंग करवाना चाहता हूँ और उससे कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है क्योंकि बॉलिंग अफेक्ट हुई तो ऐसे और क्या क्या विवाद थे और मतलब उन मीटिंग्स में क्या होता था देखिए मेरे सामने ग्रेक चैपल का ऐसा कोई विवाद किसी सौरभ से या किसी से मीटिंग में कभी नहीं हुआ ये जो जो भी अगर उनकी डिफरेंट ओपिनियन हुई है ये अलग से हुई नहीं है। आ, कभी विवाद होते ही नहीं देखा सौरभ अपनी ओपिनियन सौरभ जब कप्तान थे तो ग्रेक के टाइम तो खैर राहुल रविड़ आ गए थे सौरभ को आईसीसी ने कुछ स्लो ओवर रेट के कारण वो किया था तो सौरभ के टाइम टाइम ग्रेक चप्पल आ गए फिर राहुल कप्तान बन गए फिर धोनी बन गए उसके बाद तो सौरभ के टाइम तो जॉन राइट थे कप्तान और जॉन राइट अटेंड सॉरी कोच और टीम बैठे सौरभ अपनी ओपिनियन देते थे और कुछ उनने बहुत अच्छी अपनी ओपिनियन दी जो हमने एग्री करी जैसे मुझे आज भी ध्यान है कि मैं 2000 में सिलेक्टर बना जब फर्स्ट मीटिंग में तो सौरभ हमेशा हर भजन को चाहते थे बहुत पर मैंने हर भजन को देखा नहीं था बॉलिंग करते हुए सौरभ युवराज को चाहते थे वनडे में बहुत तो मैंने यूवी को भी बैटिंग करते तब मैं नया आया था तो मैंने देखा नहीं था बट मुझे याद है कि जब मैं आपको रोकूंगा सौरभ धोनी को भी चाहते थे क्योंकि ऐसा ओपन थे बिल्कुल बिल्कुल टू ओपन थे और मैं एक चीज धोनी की मैं आपको बता दू बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैं बोलना चाहूंगा जो जो मेरे को जानकारी की जब सबसे पहले प्रणब रॉय इस जोन से सिलेक्टर होते थे तो प्रणब रॉय मुझे दो एक बार बोले कि यार संजय एक बिहार का लड़का है और बड़ा अनोर्थोडक्स है यार कीपर और बैटिंग भी बढ़िया अनऑर्थोडॉक्स करता है तो तू उसको देखना वो मेरे को दो तो एक महीने से बोल रहे थे किरण मोरे भी सिलेक्टर थे साथ में किरण ने देखा हुआ था उनको किरमानी हमारे चेयरमैन थे उस, सा, उस साल तो मुझे याद है कि इस जोन का मैच था सिलीगुड़ी में कहीं देवदा ट्रॉफी का तो प्रणब मुझे काफी टाइम से बोलते थे तो मैंने प्रणब को आ, से बोला कि अच्छा मैं और किरी जाते हैं तो किरी और हम दोनों गए थे मुझे अच्छी तरह याद है सिलीगुड़ी में और हम लोग इम्प्रेस हो गए थे हमने इमिजिएटली टू थाउजेंड थ्री में जिम्बाब अपने कैनिया और जिम्बावे के टूर पर भेजा उन्होंने वहाँ बड़े बड़े स्कोर किए की, कीपिंग अच्छी करी और स्थिर से आ गए फिर मैंने प्रणव रॉय से ये पूछा कि देखिए कैसी स्टोरी पर स्टोरी क्योंकि मुझे लगा कि बहुत जने बोलते हैं कि हमने धोनी को करा मैंने तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये था तो मैंने एक दिन प्रणव रॉय के साथ बैठा था मैंने प्रणव से पूछा प्रणब आपने कब देखा था पहली बार तो मेरे को प्रणब बोले कि संजय अंडर 19 कुछ भी आ ट्रॉफी फाइनल तो बोले मैं अंपायरिंग कर रहा था अलोंग विद यशपाल और उसमें यूवी भी खेल रहा था धोनी भी खेल रहा था हाँ वो बड़ा फेमस तो, वो सीन हाँ, है वो तो वो, वो बोले कि मैंने पहली बार देखा और तब से मैं को बड़ा अच्छा लगा धोनी ने कुछ 60 रन बनाए थे न्यू बॉल पर बोले यार तब से मेरी निगाह में थे दोनों कि ये तो था कि ये लड़का अच्छा है सो देखिए कहां से जो एक सिस्टम की बात रहा हूं कि देखिए कितना अच्छा स्टेडियम है दिमाग में छवि अच्छा तो ये जो की बात आ रही है, इस तरह से हर ईमानदार हर सिलेक्टर के साथ होगा ये फलाने लड़के को देखा था ये अच्छा जैसा मैं बोलता हूँ आप कन्विंस हो जाओ फिर आप उसको बैक करो आप अब भी रंजीत ट्रॉफी और विजय हजारी ये सब देखने का मौका मिलता है देखता हूँ मेरी हमेशा की आदत रही है जहां एम खेलती है

और देखिए हर मैं सोचता हूँ कि ऐसा उसके साथ नहीं हो रहा जता हाथ उनका अच्छा टाइम निकल जाए और फिर चांस मिले कभी कभी ऐसा भी हो जाता है क्योंकि वो दो न्यूज़ीलैंड के ए टीम के उन्होंने दो शतक बनाए टेस्ट मैच में उसके बाद भी बहुतों को अवसर मिले पर उनको अवसर नहीं मिले सो so, सिलेक्शन का थोड़ा ये हो जाता है कि अगर आप, आपको इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम रिप्लेसमेंट तो आप बराबर चांस उसको ऊपर लेवल पर भी देख सकते असेस करने के लिए अब अब मैं इतना ज्यादा नहीं उसमें रहता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी में क्या हो रहा है मुझे इसकी तो जानकारी नहीं है क्या ओपिनियन है क्योंकि एक अकेला व्यक्ति तो करता नहीं है पांच और आज की सिलेक्शन कमेटी कितनी इन्फ्लुएंस्ड है बाय कोच कैप्टन एंड अदर आउटसाइड फोर्सेस आल्सो

ऋषभ पंत को जिस तरह से भारतीय मैनेजमेंट ने सभी कुछ भी खेले जिस तरह से ट्रीट किया है दो कि हजार से 2018 हजार में वो इंग्लैंड में 100 बना चुके थे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट हंडर्ड बना चुके थे उसके बाद वर्ष को अगर में उनको भेज दिया गया वहां पर भेज दिया गया खिलाड़ी उनको उसके बाद यही कह चीज थाउजेंड ट्वेंटी टू में इतने मैच जिता दिए उन्होंने आपको एन ऋषभ पंत न केवल इंडिया में जिता रहे हैं वो बाहर जिता रहे हैं आपको जी, मैचेस जी, 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 ये बहुत भारतीय बल्लेबाजों ने नहीं की चीजें ऋषभ पंत तो एक बड़ी यूनिक ब्रीड थे जैसे सहवाग हमारे मैच विनर थे वो मैच विनर और कैसे कैसे टेस्ट मैच जिता रहे हैं वो अकेले सिंगल ले जाके आप उनको इज अ नेचुरल वनडे प्लेयर उनको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है और ये सब आंकड़े दिखाना कि वो टी ट्वेंटी में इतना है तो आईपीएल में आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है क्रिकेटिंग मैच बहुत फर्क है मैं सोचता हूँ ये कड़वा सच है कई लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनको लगता है शायद कि कुछ आईपीएल में कुछ चीज़ें हम आईपीएल पी में एंटर नहीं कर पाएंगे ऐसे खिलाड़ी या दूसरे के एंटर ऐसा हो सकता है क्योंकि वो कमर्शियल एंगल हो गया है अब आप देखिए कि जितने हमारे खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं भले ही वो सूर्यकांत यादव हो या ऋषभ पंत हो सूर्य कुमार सूर्य कुमार यादव हों रिश, अपना ऋषभ पंत हो या सिराज हैं मोहम्मद सिराज हैं या मोहम्मद शमी हैं जो भी यंगस्टर्स खेल रहे हैं वो आज बी के जूनियर क्रिकेट से लेके तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की सीढ़ियां चलते आए परफॉर्मेंस उसके बाद वो गए हैं आई में वहां पर भी अच्छा कर दिया सिलेक्ट हो गए तो सिर्फ आप क्रेडिट सिर्फ आई को क्यों दे रहे हो वॉट अबाउट द डोमेस्टिक क्रिकेट जिसने उनको उठा के पकाया इलाके बट सर ऑन द फ्लिप साइड इसी सेम बात का अगर दूसरा पहलू देखे तो हर जगह अच्छा परफॉर्म किया पर मौका तभी मिला जब आई पी एल में परफॉर्म यही मैं कह रहा हूँ ना मौका बट आई पी एल से करके ढेरों मिल जाएंगे जिनने आईपीएल में किया पर इंटरनेशनल पे नहीं कर पाए ये बात अब आप दिनेश कार्तिक मैं दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छा क्रिकेट खिला हुआ है भारत के लिए पहले भी बट उनका आईपीएल का रिकॉर्ड देखिए और उनका आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया में दो वर्ल्ड कप में थे वो आप उनका वो देख लीजिए अब ऋषभ पंत आईपीएल में नहीं करते पर ऋषभ पंत का बाहर का रिकॉर्ड देखिए आप सब so, ये सिलेक्शन यही तो है कि आप असज करें कि इन परिस्थितियों में इनमें कौन कौन हमारे लिए उपयोगी है एंड ये भारत का फ्यूचर तो प्रेजेंट भी है, और भी है। so वो, 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 वो छह नंबर पे कह सकते हैं चार नंबर पे कह, पे कह सकते हैं वो ओपन कर सकते हैं कितने ऑप्शन दे रहे हैं विकेट कीपिंग कितने ऑप्शन दे रहे हैं वो तो एक मस्ट है मैं कह रहा हूँ तो मॉडर्न आपके लिए भारतीय टीम में गैरी सोबा जैसा काम कर देंगे

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कर रही है ऑस्ट्रेलिया देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने uh, शुरू होने के पहले ही खुद मानसिक रूप से विकेट 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 का उन्होंने वो कर लिया कि शायद खुद पे ही अपना प्रेशर बना लिया ज्यादा उन लोगों ने खुद पे ही अपना बना लिया विकेट ऐसा होगा विकेट होगा देखिए जो भी कंडीशन है दोनों टीमों के लिए उनकी टीम में भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं सो so, उनको सब सिंपल स्ट्रैटी और स्ट्रैटेजी वाले लोग भी हैं पर मैं सोचता हूँ प्लेयर्स ने भी बहुत ज्यादा वो कर लिया कि विकेट ऐसा होगा विकेट ऐसा होगा और थोड़ी स्ट्रैटेजी स्वीप पे ही पड़ गए उनको भारतीय टीमों से सीख लेना था विराट कोहली को मैंने कभी स्वीप करते नहीं देखा न रिवर्स स्वीप करते देखा इतने बड़े बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट के इतने बड़े बैट्समैन है उनको उनको कुछ देखने की जरूरत नहीं थी सिर्फ विराट की कैसेट देख देख लेते की फिल्में देख लेते विराट की कि कैसे बैटिंग होती है एग्जैक्टली आपके हिसाब से सर इस टेस्ट में जो थर्ड टेस्ट होने वाला है इसमें आ, कोई भी बल्लेबाज इंडिया के लिए डबल सेंचुरी मारेगा क्योंकि इंदौर का वो लास्ट दो टेस्ट अगर आप देखें जब नहीं देखिए ये प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता कर ही नहीं सकते और दूसरा मुझे ज्यादा की नहीं पर हाँ मेरे को ऐसा पता चला है कि ब्लैक कॉटन साइल पे मैच हो रहा है काली मिट्टी पे हो रहा है मैच तो काली मिट्टी पे बॉल काफ़ी थोड़ा धीरे आता है थोड़ा नीचे रहता है तो इंदौर का विकेट तो हमेशा यहाँ अलग अलग तरह के विकेट है रेड सॉइल का भी है ब्लैक कॉटन सॉइल भी है और एक मिक्स विकेट भी है संजय सर ने हमें बताया सिलेक्शन कैसे काम करता है बीसीसीआई टीम्स कैसे चुनती है बाहरी फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है ओवर द लेयर उन्होंने बताया टॉप लेयर कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ इन्होंने हमें ये भी बताया वी लक्ष्मण कैसे चुने गए मुरली कार्तिक का सिलेक्शन कैसे हुआ नरेंद्र हिरवानी को कैसे खोजा इन्होंने तो ये सारी दिलचस्प कहानियाँ इन्होंने हमें बताई ये कन्वर्सेशन आपको कैसे लगी ये बातचीत आपको कैसे लगी हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए संजय सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार अगर आप बोलें मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और इनको बैक करके इनकी ताकत दें थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच थैंक यू